नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी में। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो धुन है, जो म्यूजिक है ओ माय गॉड मूवी का, जो शायद आपने सुना हो। नहीं सुना हुआ तो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। पहले सुनिए ध्यान से। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सुना होगा अच्छे से। तो हम इस म्यूजिक को निकालने की हम कोशिश करते हैं कि इस म्यूजिक को हम कैसे निकालें। जैसे जैसे आप म्यूजिक की भी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको सेंस आने लगेगा, आपको समझ आने लगेगा कि हम म्यूजिक कैसे बजाते हैं, म्यूजिक में कब स्वर चढ़ रहा है, कब स्वर उतर रहा है, ये आपको सुनकर ही पता करना है, ठीक है, जो आपके कान बताएंगे आपको। तो हर बार की तरह आप एक रेफरेंस पॉइंट मानिए, जैसे कि सी शार्प को मैंने रेफरेंस पॉइंट माना। इतना पार्ट देखते हैं, ठीक है। सी शार्प को मैंने सा माना, इसकी स्केल सी शार्प ही रखी हुई मैंने, आप स्केल चेंज कर सकते हैं, जैसे डी पर करेंगे हम तो ठीक है। जिस स्केल में आप बजाना चाह रहे हैं उस स्केल की आपको सरगम की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, उसमें उस स्केल में आपकी उंगलियां चलनी चाहिए, उस स्केल में अलंकार होने चाहिए आपके रेडी, ठीक है। तो सी शार्प को समान कर आपको एक बार मैं बताता हूं। सी शार्प को समाना तो ये रे शुद्ध, ये ग शुद्ध, म प शुद्ध, सॉरी प तो शुद्ध होता है, ठीक है, प और स स्थाई स्वर होते हैं, प द शुद्ध, इसमें हल्का सा नी कोमल भी प्रयोग होगा, ठीक है, एक जगह पर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सारे प प ध म ग रे ग रे ग म ग, फिर से देखिए, सारे प प ध म ग रे ग रे ग म ग, फिर उसके बाद सा नी रे रे ग रे सा नी रे सा सा, सारे प प ध म ग रे ग रे ग म ग, सारे प प सा नी ध म ग। यहां पर देखिए दूसरी बार में नी कोमल प्रयोग हुआ, नी कोमल प्रयोग हो गया, ठीक है। इसकी एक बार एंडिंग भी देख लेते हैं जब वो लो पार्ट में जाता है। सारे प प ध म ग रे ग रे ग म ग, सारे प प सा नी ध म ग रे ग रे ग म ग, सा नी रे रे ग रे सा नी रे सा सा, सा नी ध प सा नी रे रे ग रे सा नी रे सा सा, ठीक है। दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा नोटेशंस डिस्क्रिप्शन में लिखने की, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको पहले जो म्यूजिक है उसको आपको सुनना है अच्छे से, फिर उसको खुद से बजाने की प्रैक्टिस करनी है। खुद से आप ट्राई कीजिए, जब काफी ट्राई करने के बाद नहीं आता है तब आप नोटेशंस की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं, ठीक है। दोस्तों, एक बार पूरा आपको सुना देता हूं एक बार फिर से। आपको इसमें कण स्वर का प्रयोग करना है, मैंने वीडियो बनाई हुई थी कण स्वर पर कि हम कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहां
प्रकरण स्वर का प्रयोग हुआ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहचान पा रहे होंगे कि कर्ण स्वर हमने कहां प्रयोग किया है। अगर आपको डाउट आता है कोई भी, तो आप कमेंट करके पूछिए। मैंने कई सारे लेसन्स बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए अच्छे से, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।